आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर चेंज अराउंड अस। ये तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अप्लाइड ओवर द बैंडेज ऑन फ्रैक्चर बोन। जब खुदा न खासा किसी की हड्डी टूट जाती है उसके ऊपर क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्लास्टर करते हैं ना उसको, जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP, वो POP करते हैं, उसके ऊपर बैंडेज बांधते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टर, ठीक है ना। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग। तो क्या होता है, जब वो सूखता है वो सूख के हार्ड हो जाता है, टू कीप द फैक्चर, क्योंकि वो जो फ्रैक्चर बोन है उसको इमोबिलाइज रखता है, बिल्कुल हिलाता नहीं है, वो बिल्कुल एक जगह पे रखता है हड्डी को, जो जैसे कि हमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं करनी होती, हड्डी जुड़ जाती है। कैन द चेंज इन POP बी रिवर्स, क्या वो फिर से रिवर्स होगी, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है ना, ये वापस नहीं, एक बार जब प्लास्टर उतार दिया वो फिर से वैसा नहीं हो सकता, फिर हमको नया उस पर करना पड़े, उसी को फिर हम जोड़ नहीं सकते हैं, नो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, ए बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट, कहते हैं अगर हम एक बैग रखेंगे सीमेंट का बाहर, घर के बाहर, तो अगर उस पर बारिश या पानी पड़ जाएगा वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ड्यू टू रेन या कुछ भी, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है ना, रात को, द नेक्स्ट डे सन शाइन्स ब्राइटली, डू यू थिंक चेंज विच हैव ऑकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स, हाँ दूसरे दिन अगर धूप होगी तो आपको जो गीला सीमेंट का बैग है वो फिर से ठीक हो जाएगा, नो दिस कैन नॉट बी चेंज, जो एक बार ख़राब हो गया वो फिर से चेंज नहीं होता है, वो वैसे उसके अंदर पानी मॉइस्चर हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है। सम चेंज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच वन, राइट इन द ब्लैंक कॉलम वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स, ये कुछ चेंज हैं, इसमें आपने लिखना है कि चेंज रिवर्स होगी या नहीं होगी। फर्स्ट, द साइंग ऑफ पीस ऑफ वुड, जब हम काटते हैं लकड़ी, ठीक है ना, उसको फिर से हम जोड़ सकते हैं, नो दिस कैन नॉट बी डन। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, जब एक आइस की कैंडी, एक बर्फ़ की जो कैंडी होती है जब वो मेल्ट हो जाती है, वो फिर से हम उसको वैसा बना सकते हैं, येस, हम अगर उसको फिर से फ्रीजर में लगाएंगे वो फिर से वैसी बन जाएगी, येस। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, अगर हम पानी में खांड को डालेंगे तो ये चेंज रिवर्स होगी, रिवर्स होगी, चीनी को डालेंगे, येस दिस कैन बी रिवर्स्ड। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाते हैं क्या, फिर खाने को अगर चावल बनाते हैं, सब्ज़ी, हम फिर से उसको रॉ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नो दिस कैन नॉट बी रिवर्स। राइपनिंग ऑफ मैंगो, देखो एक बार जो मैंगो है पक गया, ठीक है ना, तो हम फिर से उसको कच्चा वैसा नहीं बना सकते हैं, नो। सोरिंग ऑफ मिल्क, ठीक है ना, जो एक बार दूध खट्टा हो गया उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते हैं, नो। तो इसके साथ नो नो और यस यस लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स, यू लर्न ऑल दिस एंड रिवाइज, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म, आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं और उनको रिवाइज करना है, ओके। ये कैसे बनाया था, ये अच्छा था, वो मुझे आप मुझे तो खांड के कहती हो।